उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सफलता अर्जित कर उपजिलाधिकारी बनने वाली प्रतीक्षा त्रिपाठी का पहली बार गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रतीक्षा तिवारी शनिवार को अपने गृह जनपद सीतापुर के ब्लॉक सकरन क्षेत्र के गांव दुगाना पहुंची। प्रतीक्षा त्रिपाठी को लखनऊ जनपद में तैनाती मिली है। पूर्व प्रधानाध्यापक राम प्रसाद त्रिपाठी की बेटी प्रतीक्षा त्रिपाठी के जैसे ही गांव आने की सूचना क्षेत्रवासियों को लगी, वैसे ही गांव की बेटी को एक अधिकारी के रूप में देखने के लिए होड़ सी लग गई। क्षेत्र के भारत पेट्रोल पंप पर, यज्ञशाला मोड़ पर, कस्बा सकरन में, बालाजी मंदिर दुगाना पर क्षेत्रवासियों ने गाजे बाजे के साथ प्रतीक्षा त्रिपाठी का माल्यार्पण कर स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर सकरन प्रधान संतोष कुमार सहित तमाम कस्बावासी मौजूद रहे। बताते चले कि प्रतीक्षा त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 में 20वीं रैंक हासिल की थी। उन्हें यह सफलता 3 प्रयासों के बाद चौथी बार मिली। ट्रेनिंग पूरी कर गांव लौटी एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने आई इंडिया से खुशी जाहिर करते हुए कहा, जितना स्वागत हुआ है उतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा है कि मैं इस घर की नहीं पूरे क्षेत्र की बेटी हूँ। युवाओं और अभिभावकों को प्रतीक्षा त्रिपाठी ने आई इंडिया के माध्यम से क्या संदेश दिया, आइए उसे भी सुन लेते हैं। अभी तैनाती नहीं हुई है और मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग कर रही थी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी में, और वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं अपने घर वापस आई हूँ। पहली बार बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ है, इतना तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। और गाँव के लोगों ने सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, और मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई गांव से सेलेक्ट होता है अपने हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस घर की बेटी हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं पूरे क्षेत्र की बेटी हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेरा स्वागत किया बहुत अच्छा लगा। युवा वर्ग को संदेश देना चाहेंगे कि आपने मतलब निरंतर जो भी लक्ष्य बनाएं उस पर लगे रहें, और असफलताएँ आती हैं तो उसे डरे नहीं, और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और एक संदेश मैं गाँव के जितने भी अभिभावक लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आगे जरूर बढ़ाएँ, उनका सपोर्ट करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे या फिर अपने भविष्य बनाने में फोकस करें, रेदर देन कि शादी कर लें या फिर बिजनेस करो पैसे कमाने लगो। इससे बेहतर है कि उनको सपोर्ट करते रहें, वो जो हासिल करना चाहते हैं, जो लक्ष्य उन्होंने, जो सपने देखे हैं, उन सपनों को सपोर्ट करें अभिभावक लोग, तो गाँव के बच्चे भी बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।